क्या चीज का दिक्कत? पैसा दिक्कत। पैसा का दिक्कत है, बच्चा को पाल नहीं पा रहे? नहीं। क्या किया बच्चा को? दान कर। इस माँ ने अपनी बेटी को दान कर दिया, कारण गरीबी है। कहानी दर्द भरी है। एक माँ ने मुफलिसी के चलते अपनी फूल सी बच्ची को नई जिंदगी देने के लिए CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया है। दरअसल गुड़िया जन्म के बाद नाजुक हालत में एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाई गई, जिसके इलाज में 40,000 खर्च हो गए, जो एक माँ पे करने में मजबूर थी। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक नेक काम करते हुए इस संस्था ने इलाज में खर्च हुए तमाम बिल को माफ कर दिया। डॉक्टर हमारे जो हस्बैंड हैं डॉक्टर एम एन प्रसाद, जो कि इस ट्रस्ट ईश्वर दयाल वेलफेयर ट्रस्ट के सेटलर हैं, तो उन्होंने और हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि इस बच्चे के पास पैसा है नहीं, बच्चा जा रहा है एडॉप्शन कमेटी में, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो क्यों ना बेटियों के लिए, जो देश ये भारत को हम माता कहते हैं, यानी ये हमारा प्रधान देश है महिलाओं का, तो मैंने इस बच्चे को कि जितने भी इलाज में जितने भी खर्च हुए थे इसका एक्सपेंस ट्रस्ट ने उठाने का निर्णय लिया है। निजी नर्सिंग होम ने बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया है। अब कोशिश यही है कि गुड़िया को जल्द माँ बाप का प्यार नसीब हो जाए। आर्थिक स्थिति जर्जर है। समिति ने SRM हॉस्पिटल के ट्रस्टी और इनके डायरेक्टर से बात हुई, डॉक्टर अनामिका और डॉक्टर MN प्रसाद जी से, और इन्होंने इस बच्चे पे आया हुआ खर्च 40,000 रुपये हमारे अनुरोध पे इन्होंने माफ़ कर दिया। जी मुझे CWC से बच्चे को अपने अभिरक्षा में लेने हेतु आदेश प्राप्त हुआ। आदेश प्राप्त होने के बाद जब मैं यहाँ आया बच्चे को लेने के लिए, तो मुझे पता चला कि इस बच्चे का यहाँ जो चिकित्सा शुल्क है वो लगभग 40,000 रुपया है, और बच्चे के पिता जो हैं और माता, वो दोनों पैसे के अभाव में या उनको और भी बच्चे हैं तो उनको पालने पोसने में वो सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने बच्चे को सरेंडर किया था। इस माँ ने तो मजबूरी वश अपने जिगर के टुकड़े को दूर कर दिया, लेकिन सरकार की कौन सी मजबूरी है? कहाँ है सरकार की योजनाएं जिसमें दावे किए जाते हैं कि बेटी के जन्म से विवाह तक के खर्च सरकार उठाएगी? न्यूज इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।